हाँ जी बेटा, मुझे समझ नहीं आ रही, जोर से बोल, इधर माइक के पास आके बोल। ओके ओके बैठो। कैन आई गो? ही वांट्स टू गो। हाँ हाँ हाँ, यू कैन गो। चलो अब रह गए दो, आगे आ जाओ बेटा, आओ जल्दी से। इसके साथ नहीं बैठना बेटा, अगले बेंच पे आ। चलो तुम्हारी इच्छा है बच्चे, मैंने अब पढ़ाना है और मैंने वॉल्यूम धीरे कर देनी है, मुझे तो डिस्टरबेंस कोई नहीं होनी। अब नाउ इट्स अप टू यू कि आपने कितना समझना है, क्योंकि जो आज की चीजें हैं ये सब चीजें समझने वाली चीजें हैं, है ना। स्कूल में भी अभी टीचर ने नहीं करवानी, मेरे से नहीं समझोगे तो कैसे करोगे। और इसमें से, इस चैप्टर में से दो या तीन क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेट। बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। कागज भी तुम पेज भी पलटते हो तो वो भी बड़े आराम से पलटो ताकि आवाज ना हो, ठीक है। ये बेटा मैंने वॉल्यूम कम कर दिया, मेरे पास तो अब तुम्हारी आवाज आएगी नहीं, ठीक है। दोबारा से मैं समझा रही हूं कि ये किसी ने नहीं समझाना, और जिसको अगर कुछ लगता है कि भी हमने नहीं पढ़ना, वो एकदम उठे और बाहर जाए। प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। If you want to talk, अगर बीच में तुम्हें कुछ लगता है भी हमें बहुत अंदर से कुछ हो रहा है बोलने के लिए, क्लास से बाहर जाओ, बात करो, फिर दिल करता है अंदर आ जाओ, वरना बाहर ही रहो। बड़े हो गए हो अब, कोई छोटे बच्चे तो नर्सरी के तो रहे नहीं, जबरदस्ती हम बिठाएंगे। तो पिछली बार हमने किया था, हम कर रहे थे मेंडल्स लॉ हमने किए थे, और सबसे पहले हमने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या कहा था कि ईच करैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू एलील्स इन ए पॉपुलेशन। एंड वन ऑफ द एलील इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। वेन Both alleles are present in one organism, जैसे हम कहते हैं capital T small t, heterozygous condition में, then only dominant allele can एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है बच्चों, ये किया था ना हमने पिछली बार, ठीक है, नोट कर लिया ये आपने? करो करो करो, जल्दी से, जल्दी से करो, जल्दी से। और ये मेंडल की लॉ ऑफ डोमिनेंस से किस मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एंड F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन से
मोनोहाइब्रिड जब हम एक ही करैक्टर लेके काम करते हैं। इसने सिर्फ मेंडल ने जैसे हाइट पे काम किया या पी कलर पे काम किया या फ्लावर पोजीशन पे काम किया, ठीक है, बट एक टाइम में एक ही करैक्टर स्टडी किया तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा। और एफ वन जेनरेशन से हमें या मेंडल को क्या मिला, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद सेकंड आ जाता है बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मेंडल ने, ध्यान से मेरी बात सुनो, मेंडल ने एफ टू जेनरेशन में सेकेंड फिलियल जेनरेशन में क्या देखा, द रिसेसिव करैक्टर ऑल्सो अपियर्स व्हेन इट कम्स इन होमोजाइगस फॉर्म। होमोजाइगस का मतलब क्या है, जब दोनों एलील्स जो है वो सेम हो, है ना, होमोजाइगस फॉर्म। इट अकर्स ओनली इफ द टू एलील्स ऑफ एफ वन जेनरेशन गेट्स सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। इफ द टू एलील्स ऑफ एफ वन जेनरेशन गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसकी डेफिनेशन लिख लो जल्दी से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टू एलील्स कंट्रोलिंग ए करैक्टर गेट सेपरेटेड, द टू एलील्स कंट्रोलिंग ए करैक्टर gets separated during gamete formation so that each gamete has only one allele of a character, so that each gamete has only one allele of a character, and thus the gamete is pure for that character. For example, ये देखिए, this is parent, ये दो gametes हैं, this is one, this is second, one gamete is pure for tallness and second gamete is pure for dwarfness. Right or not? Yes or no? This is law of segregation or law of purity of gametes.
law of dominance comes from F1 generation of monohybrid cross. Law of segregation comes from F2 ratio of monohybrid cross. और उसके बाद मेंडल ने एक किया डायहाइब्रिड क्रॉस, ये भी समझो क्योंकि एस सच नहीं समझ में आएगा। पेन नीचे रख दो अपने सारे, सिर्फ आंखें स्क्रीन पे। डायहाइब्रिड क्रॉस, द क्रॉस इन विच मेंडल स्टडीड टू कैरेक्टर्स एट ए टाइम। दो कैरेक्टर्स जब उसने इकट्ठे स्टडी किए तो उसको कह देते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। तो उसने क्या क्या किया, राउंड एंड स्मूथ सीड्स, प्योर राउंड एंड स्मूथ सीड्स। प्योर का मतलब होता है होमोजाइगस, राउंड के लिए है RR और स्मूथ के लिए है SS। दिस इज प्योर फॉर राउंड, प्योर फॉर स्मूथ। It is crossed with pure inflated and wrinkled seeds. Round का recessive है inflated, smooth का, smooth की spelling ठीक कर लेना, smooth का in जो रिसेसिव है वो है रिंकल्ड। तो ये आ गया, इजंट इट, ठीक है, ये चीज समझ में आई। यहां पे जब गैमीट्स बने तो एक तो राउंड के लिए एलील आ गई और दूसरी एलील स्मूथ के लिए आ गई, ठीक है कि नहीं। आर आर अलग हो गया, एस एस अलग हो गया, तो एक एलील राउंड करैक्टर के लिए, एक एलील स्मूथ करैक्टर के लिए। यहां पे गैमीट बना वो क्या आया, स्मॉल आर स्मॉल एस, ठीक है कि नहीं। इनकी जब इन गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन फ्यूजन तो क्या बना, हाँ जी दिख रहा है आपको। अब मुझे ये बताइए कि इसका फीनोटाइप, फीनोटाइप होता है, अपनी कॉपी में लिख लो फीनोटाइप और जीनोटाइप, राइट डाउन, दो टर्म्स है ये। पहला है फीनोटाइप, फीनोटाइप होता है एक्सटर्नल अपियरेंस, फीनोटाइप है एक्सटर्नल अपियरेंस, जीनोटाइप होता है बेटा जेनेटिक कॉम्पोजिशन। मुझे ये बताइए कि इसका फीनोटाइप क्या होगा, सीड्स आर राउंड और इन्फ्लेटेड, स्मूथ है कि रिंकल्ड है, सो इट इज राउंड एंड स्मूथ सीड्स, ठीक है। ऑल प्लांट्स विद राउंड एंड स्मूथ सीड्स, ये तो हो गया फीनोटाइप। और जीनोटाइप क्या हम कहेंगे,
हेट्रोजाइगस फॉर राउंड एंड स्मूथ, ठीक है? हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है? हेट्रोजाइगस, क्योंकि एलील्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट. इज इट ओके? चलिए ये पहले लिखो, दिस इज एफ वन जनरेशन. जल्दी से बनाओ फटाफट. यहाँ पे एक चीज कर लो, थोड़ा सा राउंड एंड स्मूथ भी हम कह सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा कर लो जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है. मैं फिर वो राउंड एंड येलो, यहाँ पे ये करैक्टर ले लो. इतना ही चेंज करना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. कोई भी करैक्टर ले सकते हो, बट ये ले लो. हाँ, ये तो आपको क्लियर रहेगा ना, इसलिए रिंकल्ड एंड ग्रीन. करैक्टर कोई भी ले सकते हो, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू योर बुक. बना लिया एफ वन तक? आगे करें? फिर है सेल्फिंग ऑफ एफ वन, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन. इसमें मेल सेक्स ऑर्गन है, वो भी यही है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी यही है. अब देखिए यहां पे बेटा, जब गैमेट्स बनते हैं, ये देखो ये क्या है, ये वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. यहां पे ये वाली दो एलील्स है, यहां पे ये वाली दो एलील्स है. जब मियोसिस होती है, मियोसिस आपको पता है गैमेट बनाने के दौरान होती है, एम आई राइट? ठीक है, तो जब गैमेट्स बनने हैं तो मियोसिस है, ठीक है? और मियोसिस में ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो हो सकता है कि ये और ये इकट्ठे हो जाए और ये इकट्ठे हो जाए, ये एक गैमेट बन जाए और ये गैमेट बन जाए. बट ये हमारी मर्जी से नहीं होना. ऐसा भी हो सकता है इसके साथ ये वाला क्रोमोसोम अलग हो जाए. अगर ये होता है तो इसके साथ ये होगा, तो पॉसिबिलिटी क्या है
कि ये चार टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं, इन चारों में से कोई भी बन सकता है, इज इट राइट? तो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि ये गैमीट बने या ये वाला बने या ये वाला बने और या ये वाला बने। इज इट ओके? और यही चीज यहां पे भी चार गैमीट्स बनेंगे, सेम ही तो है। अब ये वाले लेटर से हम इसको कहते हैं मेल गैमीट्स और ये है फीमेल गैमीट्स। अब कौन सा किसके साथ फ्यूज होता है हमें नहीं पता, हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज करते हैं। तो इसको करने के लिए जब अगर हम इसको पहले इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आएंगे, जिसका एक इजी तरीका हमने क्या निकाला है, पुनेट स्क्वायर। ऊपर हमने मेल गैमीट्स लिखने हैं, नीचे वाली साइड फीमेल गैमीट्स लिखने हैं। ये है मेल गैमीट, और यहां पे फीमेल गैमीट्स लिखने हैं, है तो सेम ही है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फीमेल गैमीट अगर इस मेल गैमीट से फ्यूज करे, अगर ये इसके साथ फ्यूज करे, यहां पे ठीक है, इस तरह से। ये मुझे बताइए, व्हाट इज द फीनोटाइप ऑफ दिस? राउंड एंड येलो, इसका राउंड एंड येलो, आराम से आराम से, राउंड एंड येलो, ठीक है। अब सबने आपको पता चल गया कि कैसे बनाने हैं, जल्दी से बनाओ, ये पुनेट स्क्वायर बनाओ आराम से, बगैर बातें किए भी बनेगा ये, और उतना ही अच्छा बनेगा। जी बेटा, फर्स्ट बेंच पे फर्स्ट गर्ल आपने बना लिया बेटा। अच्छा, रेशो क्या आई है? ये तो रट्टा मारा हुआ है, आपने बनाया नहीं है।
जल्दी से बच्चों जल्दी से। जी बॉयज में से जरा कोई खड़े हो जाए, कोई एनी बॉय स्टैंड अप, मुझे रेशो बताओ जल्दी से, कोई सा एक लड़का खड़े होके। उसकी कॉपी देख के नहीं बतानी बेटा, अपनी कॉपी देख के बनाओ। 9:3:3:1 बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बता दे बेटा 9 क्या है, राउंड एंड येलो 3 क्या है, उसको बोलने दो बेटा बोलने दो। पहले पहला 9 है राउंड एंड येलो, दूसरा है 3 राउंड एंड ग्रीन, तीसरा 3 है रिंकल्ड एंड येलो, और 1 है रिंकल्ड एंड ग्रीन। चलिए बैठिए ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, जो सबसे लास्ट में लड़की बैठी है वो बच्चे खड़े हो जाए, कोई सी जो लास्ट बेंच पे कोई सी भी लड़की खड़ी हो जाए, जल्दी से खड़े हो जाओ बेटा। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं पूछ रही, मैं तो जरा सा पूछना ही है लास्ट में। I will leave the class and you will also leave the class, ठीक है ना? फिर जहां मर्जी करना, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ जी बेटा मुझे ये बताइए बच्चे कि इधर देखो, सिर्फ बोर्ड पे देखो, कॉपी मत देखो, ये क्या है, इसका फिनोटाइप क्या है, इज इट, ये देखो स्मॉल आर जो है वो क्या होगा, इज इट राउंड और रिंकल्ड, इट इज रिंकल्ड, और स्मॉल वाई ग्रीन, इट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है बैठिए, इट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। हाँ जी आपके साथ वाली, हाँ जी बेटा, हाँ आपके साथ वाली, नॉट यू, योर एडजेसेंट गर्ल, हाँ जी ये बताइए व्हाट इज द फिनोटाइप, जल्दी से बताओ, इट इज हेट्रोजाइगस तो है बेटा, बट इसका फिनोटाइप बताइए, एक्सटर्नल अपीयरेंस बताइए, इट इज रिंकल्ड एंड येलो, बिल्कुल ठीक है। आपके आगे वाली जिसका हाथ खड़ा था अभी बेटा, हाँ जी हाँ, ये क्या है, इट इज राउंड एंड ग्रीन, बिल्कुल ठीक है। आपके साथ वाली राइट साइड वाली, हाँ राउंड एंड येलो, ठीक है जी। चलिए अब एनी प्रॉब्लम, अब सबको आपको पता चल गया अभी क्या है ये, कैसे निकालना है, ठीक है। तो रेशियो जो है वो क्या हमारे पास आ रही है,
इट इज 9:3:3:1 रेशियो है। ये जो दोनों है ये कौन है? दीज आर रिकॉम्बिनेंट्स। फ्रॉम डाया हाइब्रिड क्रॉस कौन सा लॉ दिया था मेंडल ने? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, बस जरा सा बोले और चुप कर गए एकदम। लॉ ऑफ, बेटा आप मुझे, गर्ल्स मुझे जरा ये बताओ कि क्या एक, सर गुड मॉर्निंग, सर क्या ये क्लासेस में भी ऐसे ही बोलते रहते हैं, मतलब सुनते नहीं है? नहीं मतलब मैं तो ये पूछ रही हूँ कि भी क्लास में भी क्या ये ऐसे ही है? ची, ची, ची। नहीं, नहीं करते। वेरी बैड, वेरी बैड। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? लिख लो सारे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टू जीन्स कंट्रोलिंग टू कैरेक्टर्स, द टू डिफरेंट जीन्स आप लिख लीजिए, द टू डिफरेंट जीन्स कंट्रोलिंग
different characters get separated independent of each other during gamete formation. इसका मतलब है कि दो जीन्स जो है आर वाली जीन और वाई वाली जीन जो सीड शेप और सीड कलर की जीन है वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती हैं। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दे गेट सेपरेटेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इज इट राइट? और यहाँ पे एक स्टार डाल के पॉइंट लिखो, द एक्सेप्शन, स्टार डाल लेना, द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज या आर लिंक्ड जीन्स, आर लिंक्ड जीन्स, स्टार पॉइंट में ही लिखो, लिंक्ड जीन्स आर दोस, फुल स्टॉप करके, लिंक्ड जीन्स आर दोस which are present on same chromosome. Which are present on same chromosome. Therefore, they always remain together. अब ध्यान से देखो बेटा इस चीज को, इधर देखो, सी ऑन स्क्रीन, ये दो जीन्स है, अगर अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होती, लेट अस से ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी, अगर ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होते तो गैमीट्स कौन से बनते? ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता था और ये भी बन सकता था, ठीक है? ये है अलग अलग क्रोमोसोम्स पे व्हेन दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे ये जो दोनों जीन्स है ये एक ही क्रोमोसोम पे है, तो इसलिए ये ए बी, क्योंकि ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा, ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा, तो डोमिनेंट जीन्स इकट्ठे जाएंगे, रिसेसिव जीन्स इकट्ठे जाएंगे, ठीक है? तो अगर लिंक्ड जीन्स हो तो सिर्फ दो टाइप के गैमेट्स बनते हैं, अगर इंडिपेंडेंट, अगर अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हो देन फोर टाइप के गैमेट्स बनते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू आर नॉट? ये चीज लिख लो, लिंक्ड जीन्स ये बनाओ और ये एक बॉक्स में लिख लेना, इफ द टू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, ताकि तुम्हें जब पता चले। हाँ जी बेटा, सकता है, इट कैन बी,
बी दिस ऑल्सो, ठीक है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. दे विल बी इन पेयर्स, ऑब्वियसली ऑब्वियसली. ठीक है, बैठिए. तो यहाँ पे द जीन्स, रिमेम्बर द जीन्स प्रेजेंट ऑन ऑल द जीन्स, जितनी भी जीन्स होंगी एक क्रोमोसोम पे, दे आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स एंड दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इज इट ओके? सो द जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दे शो लिंकेज. हाँ जी बेटा बताओ, पूछो. दोबारा से बोल, दोबारा से. हाँ, वो उस जीन को क्या बोलते हैं, बैठ जाओ. दैट जीन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन. लिख लो, राइट डाउन, स्टार डाल के पॉइंट्स लिखो. ऑल्दो ये आपकी बुक में तो नहीं है, बट चलो इन्होंने पूछा है तो सब लिख लो. अकॉर्डिंग टू मेंडल वन जीन कंट्रोल्स वन करैक्टर बट देयर आर सम जीन्स which control more than one characters. Such a gene is called as pleiotropic gene. For example, mutation होता है बेटा, जब किसी जीन में चेंज आ जाए, that is mutation. Mutated gene for सिकल सेल एनीमिया, ये एक डिजीज है. अभी हम इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ ये डिजीज का है. म्यूटेटेड जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया कंट्रोल्स टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन एंड शेप ऑफ आरबीसीज. दो करैक्टर, म्यूटेटेड जीन, चेंज्ड जीन या डिजीज्ड जीन. कौन सा डिजीज? सिकल सेल एनीमिया. वो दो करैक्टर कंट्रोल करती है, एक तो टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, दूसरा शेप ऑफ आरबीसीज. सो द जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया इज ए प्लियोट्रॉपिक जीन. ठीक है, लिख लिया बच्चे सबने? नेक्स्ट एक और स्टार डाल के पॉइंट लिख लो. There are some characters which are controlled by more than one genes. अभी हमने कहा कोई genes ऐसी है जो एक से ज्यादा character show करती है, और कुछ characters ऐसे जो एक से ज्यादा genes से control होते हैं. Such characters जो बहुत सारी जीन से कंट्रोल होते हैं, such characters are called as polygenic characters. For example, skin color in humans. It is controlled by three genes, A, B and C.
skin color in humans is controlled by three genes A, B and C. तो ये कौन सा करैक्टर हो गया? पॉलीजेनिक करैक्टर. इज इट ओके? अब कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल लिखते चलो जल्दी से. कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस. कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस विच कंटेन्स क्रोमोसोम्स. विच कंटेन्स क्रोमोसोम्स formed of DNA and proteins. Obviously DNA and proteins. Full stop karke. Small segments of DNA controlling specific characters are called as genes. Full stop. Genes control various characters. या हम कहेंगे genes express themselves. Genes express themselves by synthesizing proteins through RNA. Full stop. Some of the proteins are structural proteins. That form different structures. For example, muscle proteins, hemoglobin, etc. Whereas other proteins form enzymes. कुछ प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल proteins है. Whereas other proteins are enzymes. Full stop. These enzymes catalyze different reactions of the metabolism. If some enzyme is deficient, या lacking, कम है, then particular reaction will not occur. and our metabolism gets disturbed.
ठीक है जी। तो ये तो है हाउ डू द जीन्स दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। अब मैं एक चीज बताती हूँ, सेंट्रल डोगमा ऑफ द सेल, जो मैंने लिखवाया वही चीजें ही है सेंट्रल डोगमा। ये जीन एक्टिव है, दिस इज लेट अस से एक्टिव जीन। एक पर्टिकुलर टाइम पे दिस जीन गेट्स एक्टिवेटेड, दिस जीन इट फॉर्म्स एमआरएनए। एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए। डीएनए ने आरएनए कहां पे बनाया? न्यूक्लियस में। नाउ दिस एमआरएनए इट कम्स आउट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इट कंबाइन्स विद राइबोसोम्स, यू नो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, ये राइबोसोम्स है, एंड दिस फॉर्म प्रोटीन्स। Some proteins are structural proteins, some form enzymes. ठीक है, तो what is central dogma? DNA से information गई mRNA पे और mRNA से information गई proteins पे। This is central dogma. इसको हम क्या बोलते हैं? This is ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन्स इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा ऑफ द सेल। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन्स थ्रू एमआरएनए, दिस इज सेंट्रल डोगमा एंड इट वॉज प्रपोज्ड बाई क्रिक। इट वॉज प्रपोज्ड, इट वॉज प्रपोज्ड बाई क्रिक। मैम को दीजिए, ठीक है, लिख लो फटाफट। इट वॉज प्रपोज्ड बाई क्रिक, CRICK। ये बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन, जल्दी से सेक्स डिटर्मिनेशन। फर्स्ट आ जाइए बेटा एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। एग्जांपल्स लिखनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना क्योंकि एग्जांपल्स पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आपके बुक में एग्जांपल नहीं दी हुई बट मेंशन जरूर किया हुआ है। जल्दी से क्विक एनवायरमेंटल, फॉर एग्जाम्पल इन क्रोकोडाइल्स एंड सम लिजर्ड्स। कुछ पूछना है? हाँ जी बेटा खड़े हो जा, दो मिनट बह जा बेटा, इन क्रोकोडाइल्स एंड सम लिजर्ड्स हाई टेम्परेचर इंड्यूसेस मेलनेस, हाई टेम्परेचर इंड्यूसेस मेलनेस, लो टेम्परेचर फीमेलनेस।
low temperature femaleness. उसके बाद second example कीजिए turtles. Second example है turtles. Below 28 degree centigrade males. Below 28 degree centigrade males. Above 33 degree centigrade females. Above 33 degree centigrade females. Between 28 to 33 degree. Between 28 to 33 degree. Both males and females in equal number. Both 28 degree से नीचे temperature हो तो सभी के सभी eggs जो है वो develop करेंगे males में. 33 degree से ऊपर हो तो सभी के सभी females में. 28 to 33 degree males and females develop in equal number. Third आ जाइए बेटा, haplodiploidy. Next is haplodiploidy. Haplo H-A-P-L-O, haplodiploidy. एग्जाम्पल है हनी बीज. ये मैंने पहले भी आपको बताया था हनी बीज. फीमेल्स आर डिप्लॉयड. फीमेल्स आर डिप्लॉयड. टू एन होते हैं, पेयर्स में क्रोमोसोम्स होते हैं. फीमेल्स आर डिप्लॉयड. मेल्स आर हैप्लॉयड. एन है. मेल्स आर हैप्लॉयड. ये हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में किया था. Males are haploid, females are diploid, that is 2N. उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए सेक्स क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन. सेक्स क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन. इन ह्यूमंस इट इज XXXY. सबको पता है इफ इट इज XX देन इट इज फीमेल्स, इफ इट इज XY देन इट इज मेल्स. इफ इट इज XX देन इट इज फीमेल्स, इफ इट इज XY देन इट इज मेल्स. और लास्ट है बर्ड्स. Last is birds. Here ZZZW type of sex determination. बस last आगे चल. ZZZW. ZZ are males and ZW are females. ये human से opposite है. ZW are females. ZZ are males. ठीक है जी. सो दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन. तो यहां पर जेनेटिक्स में जो आपका था जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, हेरिडिटी में यहां तक था. नेक्स्ट टाइम हम क्या शुरू करेंगे? एवोल्यूशन. ठीक है जी. हां जी बेटा. हाँ स्नेल्स भी लिख लो. इन स्नेल्स there are no sex chromosomes. There are no sex chromosomes, but it is the light. It is the duration of light. It is the duration of light which affect the duration of light which affect the development of sexes. ठीक है जी. ये पढ़ के आना, कोई डाउट्स हो कल दोबारा पूछ लेना बेटा. मैथ्स वाली मैम आ गई है और वो मुझे डांट रही है. ठीक है चलिए.
geometry. Now please keep quiet. Rectangular coordinate axis. Everybody knows x-axis and y-axis, they are called rectangular coordinate axis. Positive x direction, negative x, positive y, negative y. Agar main bolu, I have a point whose coordinates are say 2, 3. Ye aap logon ne padh rakha hai, pehle bhi sab cheezein, just a quick revision de rahe hain, phir hum aayenge formulas par. If I have a point 2, 3 and I ask you its distance from x-axis, distance of the point 2, 3 from x-axis and distance from y-axis. So, abscissa jo hota hai, wo distance ho jata hai y-axis se, aur jo ordinate hota hai, that becomes the distance from x-axis. This is the only point jis pe confusion ka kaam ho sakta hai. Now, we will do distance formula. Distance formula. ये हमें use करना है to find distance between two given points. Suppose I have A point whose coordinates are x1, y1 and B point whose coordinates are x2, y2. This is point A having coordinates x1, y1, B point having coordinates x2, y2. I have to find out what is the distance between two points. So, I have to calculate AB. देखिए, मैं A point से x-axis पर perpendicular drop कर दूँ, B से drop कर दूँ, और A point से, say ये BM है, ये BN है. From A, I drop a perpendicular on BM. ये पॉइंट है सपोज पी, ये डिस्टेंस जो है बी एम, ये कितना होगा वाई टू एंड ए एन एस. सो ये बी पी विल इट बी वाई टू माइनस वाई वन एंड व्हाट दिस डिस्टेंस ए पी विल बी. AP OMX2 है, OMX1 है, तो ये MN distance, this is X2 minus X1. Now, if I look in the triangle APB, right angle triangle है, Pythagoras apply हो सकती है. AB square is equal to AP का स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर आई हैव AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP. ये AP डिस्टेंस है X2 माइनस X1 का स्क्वायर. BP, BP इज Y2 माइनस Y1. So, y2 minus y1 square. Or I say AB is square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. And this becomes the distance formula. How to calculate distance between two points A and B whose coordinates are x1, y1 and x2, y2? X2 minus X1 whole square plus Y2 minus Y1 whole square and its under root. Distance formula पर बेस बहुत तरह के questions आपके पास आ सकते हैं. आपको quadrilateral है, उसकी चारों vertices दे दी जाएं और पूछा जाए कि ये square के coordinate vertices हैं, rectangle की vertices हैं, rhombus की हैं, या क्या कुछ भी. तो उसमें आपको use क्या करना पड़ेगा. Suppose आपसे पूछा जाए कि given vertices are vertices of a rectangle, so what are you going to prove? लेंथ ये ए बी सी डी चारों वर्टिसेस दे रखी हैं. से दिस इज एक्स वन वाई वन, दिस इज एक्स टू वाई टू,
This is x3 y3. This is x4 y4. रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या क्या चीजें आपको प्रूव करनी पड़ेगी? डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करना है मुझे. आई से ए बी डी सी के बराबर आ जाए, ए डी बी सी के इक्वल हो जाए, बस. विल इट बी द सफिशिएंट कंडीशन फॉर इट जस्ट टू बी अ रेक्टेंगल? डिस्टेंस से आप 90 डिग्री प्रूव नहीं कर सकते. Diagonals are equal. So third thing that you will prove is AC is equal to BD. ठीक है. तो vertices देख करके अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी ये जो vertices हैं किस किस quadrilateral को represent कर रही हैं, तो उसके लिए आपको जितने भी quadrilateral आपने पढ़े हैं उनकी properties मालूम होना जरूरी है, तभी आप कर पाओगे, otherwise नहीं कर पाओगे. स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है? एक जना, नॉट ऑल. वन ऑफ यू प्लीज स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रोम्बस एंड स्क्वायर. हाँ जी, कौन बताएगा? गर्ल्स में से. हाँ बोलो, फर्स्ट बेंच पर. और आपको डिफरेंशिएट करने को बोला जाए कि रोम्बस है या स्क्वायर है, तो आप एंगल्स की बात नहीं कर सकते. व्हाट विल बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? पीछे स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं अनइक्वल होते हैं, और रोम्बस के? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर. एंड सेम इज द डिफरेंस बिटवीन इफ यू टॉक अबाउट पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल. पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो बराबर होते हैं. साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में भी इक्वल हैं और रेक्टेंगल में भी इक्वल हैं. इसी तरह से तीन वर्टिसेस देखकर के आपको पूछ लिया जाए कि ट्रायंगल कैसा है. इज इट अ स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल? क्या प्रूव कर सकोगे? अगर तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई डिस्टेंस फॉर्मूला से तो इक्विलैटरल होगा. दो की आ गई तो आइसोसेलेस है, तीनों बराबर इक्विलैटरल. राइट एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस. तीनों की लेंथ निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और प्रूफ कर दोगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं या फिर नहीं है. क्वेश्चन लिखो जरा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ perpendicular bisector of AB. Find the equation of perpendicular bisector of AB where A and B are the points 3, 6 and -3, 4. Find the equation of perpendicular bisector of AB where A and B points are 3, 6 and -3, 4. ये एक line दी है आपको जिसके end points के coordinate are given to be 3, 6 and -3, 4. I want to know equation of its perpendicular bisector. सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, perpendicular bisector की क्या property है, क्या basic? हाँ, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, परपेंडिकुलर होता है. लेकिन ये सारी कंडीशंस क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से कहीं भी कुछ भी निकाल सकते हो? फिर क्या करो? एक बात ध्यान से सुन लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं बोलूं ये मेरा पी पॉइंट है, ये ए से और बी से अगर इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा, पी एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चले,
तो सबसे पहले मुझे बताओ कि P यहाँ पर है, इसके बाद इसकी पोजीशन अगर मुझे चेंज करनी हो, किस तरह से इसकी मूवमेंट होनी चाहिए? कैन इट गो हियर, हियर, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, किस डायरेक्शन में जाऊं? तो ये कंडीशन रहेगी कि पी ए इक्वल टू पी बी है। इधर आई कैन गो अपवर्ड और सेम स्ट्रेट लाइन में आते हुए नीचे आ जाऊं, तब भी कंडीशन मेंटेन रहेगी। इसका मतलब ध्यान से समझ लो कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है जो दो गिवन पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंसेस मेंटेन करके चले, तो वो जो पाथ फॉलो करता है, दैट पाथ इज अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। गॉट इट? आई रिपीट, if I have a point which moves such that its distance from two fixed points always remains same, then the path followed by this point will always be along the line which is the perpendicular bisector of the line joining the two points. अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इस बाइसेक्टर की इक्वेशन बताओ। ठीक है जी, मैं क्या कहूं, मैं इस पी पॉइंट को एक्स वाई मान लूं। अब मेरे पास कंडीशन क्या है इस पॉइंट के लिए? कंडीशन है कि पी ए पी बी के बराबर होना चाहिए, तब जो पाथ ये पी पॉइंट फॉलो करेगा वो किसकी इक्वेशन देगा? वो इस ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन दे देगा। हाँ जी, इस बात में जिस जिसको डाउट है, नहीं क्लैरिटी है, पहले तो वो बता दो। पी इज अ पॉइंट विच इज मूविंग अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन। व्हाट दैट कंडीशन इज, इट इज मेंटेनिंग इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। अगर वो पॉइंट उस कंडीशन को फॉलो करते हुए चलेगा, तो वो जिस पाथ पर चलेगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। तो अगर मुझे इस पाथ की, इस बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए, तो मुझे क्या कंडीशन जस्टिफाई करवानी है? पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी पॉइंट को एक्स वाई ले लिया, तो पी ए क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर वाई माइनस सिक्स होल स्क्वायर अंडर रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए, पी इज एक्स वाई, ए इज थ्री सिक्स, एंड पी बी इज अंडर रूट एक्स प्लस थ्री स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट यहां पर है माइनस थ्री, प्लस वाई माइनस फोर होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। नाउ इफ आई डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड सिंप्लीफाई इट, I will get a linear equation in x and y. और आपको मालूम है जो linear equations होती हैं, वो क्या represent करती हैं? वो straight line represent करती हैं। तो यहाँ से जो linear equation आएगी, वो किसकी equation होगी? इस perpendicular bisector की, जबकि a point minus 3-6 है और b point minus 3-4. If anybody is not clear about what I have said, please raise your hands. हाँ जी, बोलिए, बोलिए जी, बोलिए, डाउट बोलिए, क्या है? कॉर्नर में, बॉयज में से, हाँ जी, आपका हाथ खड़ा था कुछ, हाँ बोलिए। That distance formula gives you a condition. Let us see. हमने क्या किया? हमने कहा under root x minus 3 square y minus 6, sit down please, is equal to under root x plus 3 square plus y minus 4 whole square. पहले तो मुझे ये बताओ कि मैंने जो ये condition लगाई p is equal to pb, इस condition में कोई doubt है? कैसे आया? कैसे पर तो हम बात कर लेते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। इज दिस कंडीशन ओके विद एवरीवन?
जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस, बातें बंद कर दो, फॉर्मूलाज ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर, विल आई गेट दिस? ये x स्क्वायर से कैंसिल, y स्क्वायर से कैंसिल। अब हम क्या करते हैं, x की टर्म्स और y की टर्म्स को हम नाइन और नाइन भी कैंसिल, ये माइनस सिक्स एक्स इधर ले जाऊं तो 12x माइनस 12y प्लस हो जाएगा प्लस 4y प्लस 36 एंड प्लस 16 माइनस 20। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एम आई गेटिंग अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y? डज लीनियर इक्वेशन इन x एंड y रिप्रेजेंट्स अ लाइन? एंड इन दिस केस दैट लाइन इज दिस पर्टिकुलर बाइसेक्टर। और एक बात और, यहां पर जो अगर आप में से कोई आगे नॉन मेडिकल लेता है, मैथ्स पढ़ता है, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये वर्ड लोकस, लोकस का मतलब होता है पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट व्हेन इट इज मेड टू मूव अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन। Locus means path followed by a point when I make it move under some particular conditions. तो ये जो locus है ये actually एक equation बनती है हमेशा x और y में। वो equation circle भी हो सकती है representation, वो स्ट्रेट लाइन की भी इक्वेशन हो सकती है, वो पैराबोला की इक्वेशन भी हो सकती है, वो कोई अननोन फिगर भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, हम सर्कल को डिफाइन करते हैं। हम सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनना। वही से सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स सेम। क्या कहा मैंने, ये पॉइंट पी है जो मूव कर रहा है, मैंने इसकी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। मैंने क्या कहा, कैसे मूव करना है इसको, एक फिक्स्ड पॉइंट है सी, इससे हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। अगर ये पॉइंट इस कंडीशन को जस्टिफाई करेगा तो ये जिस रास्ते पर चलेगा, जिस पाथ पर चलेगा, वो बन जाता है सर्कल। ये फिक्स्ड पॉइंट उस सर्कल का सेंटर हो जाता है और ये फिक्स्ड डिस्टेंस उसका रेडियस हो जाता है। ये पॉइंट को अगर अब मैं एक्स वाई ले लूं तो ध्यान से देखना जरा, क्या मैं कह सकती हूं पी सी इज इक्वल टू आर, और डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या मैं कह सकती हूँ x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर अंडर रूट इज आर। कैन आई से x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर? तो ये जो इक्वेशन है ये है एक सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर एच के पर है और रेडियस आर है। तो इस तरह की कंडीशंस से आपको डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस मिलेंगी डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन क्या फॉलो की जा रही है। गॉट इट? जब मैंने पॉइंट को मूव करवाया कि वो दो पॉइंट्स से सेम डिस्टेंस मेंटेन करके चले तो मुझे लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई मिली, मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिली। जब मैंने पॉइंट को मूव करवाया कि दूसरे पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर रहे तो जो मुझे इक्वेशन मिली वो क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड वाई मिली, एंड दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। समझ में आई है कुछ बात? चलिए जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर. फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बिना बातें किए. फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 माइनस 5 एंड माइनस 2 9. फाइंड अ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस एंड इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू पॉइंट्स 2 माइनस 5 एंड माइनस 2 9. कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो कैसे करते हैं? माइनस 7 0 इज द पॉइंट. सी, अगर आपको एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना है, आई टेक से पी ए 0 इज द पॉइंट विच इज मेंटेनिंग इक्वल डिस्टेंस. इक्विडिस्टेंट मींस ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस सेम है. अगेन कंडीशन बिकम्स पी ए इज इक्वल टू PB. Point is lying on x-axis and maintaining equal distances from A and B. A minus 2 whole square minus 5 whole square under root is equal to A plus 2 whole square 9 square under root. इसको अगर आप simplify करोगे तो आपके पास A की unknown है A. A square की term cancel हो जाएगी और A की value जो आ रही है that is coming out to be minus 7. So my point becomes minus 7 0. अगर point हम लेते y axis पर तो क्या assume करके चलते उसको? 0 a. Right, on the next question. Find the coordinates of circumcenter. Find the coordinates of circumcenter of the triangle. Circumcenter of the triangle whose vertices are 8, 6, 8 minus 2 and 2 minus 2. आपको बताने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 8, 6, 8 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2. सर्कम सेंटर क्या होता था? सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने? बोलो जी, क्या होता था? सर्कल पासिंग थ्रू ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल एंड इट्स सेंटर ऑब्वियसली बिकम्स सर्कम सेंटर. अब मुझे क्या गिवन है?
मुझे ये तीनों वर्टिसेस गिवन है, मुझे इस पॉइंट को सिर्फ ही मान लूं, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या करना पड़ेगा? कर लोगे? कंडीशन बता दो, बस आगे चलते हैं फिर. पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी, तीनों इक्वल डिस्टेंसेस होने चाहिए. वहां से आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी 2x और y में, x और y कैलकुलेट करके आप सर्कम सेंटर बता सकते हैं. नेक्स्ट है, हाँ जी बोलिए, कर लो इसको फटाफट, करो और बताओ मुझे आंसर, जल्दी करो, कंप्लीटेड. अब जल्दी जल्दी से मुझे बता दो ये डिस्टेंस ए एम कितना हुआ? हाँ जी, व्हाट इज दिस डिस्टेंस ए एम? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है. व्हाट इज दिस डिस्टेंस ए एम? व्हाट इज दिस डिस्टेंस पी एम? y minus y1.
BM distance, Y2 minus Y. And this PN distance, अब मुझे बताओ कि ट्राइंगल PBN और APM क्या सिमिलर है? ट्राइंगल APM and PBN, are they similar or not? बोलिए जी, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये दोनों 90 डिग्री, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो गया. सो ए ए ए क्राइटेरिया से आई हैव टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स में क्या रिलेशन रहते हैं?